कर्नाटक का चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पार्टी के अनुसार ये जीत आशा की किरण है, जिसकी रोशनी 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच रही है। उससे पहले कर्नाटक में एक तरफ जब कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है, तो अब बात आ गई है कि राज्य के सीएम आखिर कौन बनेगा। तो नाम दो सुनाई दिए, एक डीके शिवकुमार का और एक सिद्धा रमैया का। टक्कर की दावेदारी, तो फिर कैसे होगा फैसला। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की सीएम पद के संकेत दिए हैं कि कर्नाटक में नई सरकार को मुख्यमंत्री पद के दो शीर्ष दावेदारों के तहत एक साझा कार्यकाल मिलेगा। निश्चित रूप से उनका इशारा कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार की तरफ था। खड़गे ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, लोगों ने फैसला किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी समय दे चुके हैं और अब वे कर्नाटक की जनता का ध्यान रखेंगे। हम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अब हमारे साथ ही दोनों नेताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी तय है बनेगा दोनों में से कोई एक ही। कौन बनेगा ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया है। कैसे, चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में सुरजेवाला ने नंदिनी से शुरुआत करने की बात कही है, जिस पर विवाद हुआ था। विवाद क्या था ये हम आपको अपनी दूसरी स्टोरी में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात है दो चेहरे जो कर्नाटक की राजनीति के दावेदार हैं। वीडियो में मल्लिकार्जुन बीच में बैठे हैं, उनके राइट तरफ डीके शिवकुमार हैं, वहीं लेफ्ट तरफ सिद्धारमैया। फिर बात आई मिठाई खिलाने की, तो सबसे पहले मल्लिकार्जुन ने सिद्धारमैया की तरफ मिठाई का हाथ बढ़ाया, तो डीके शिवकुमार का चेहरा मंद मंद मुस्कुरा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मुरझाया भी है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई सिद्धारमैया के मुंह में खिलाई, फिर निकाल ली और फिर खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर खिला दिया। वहीं मल्लिकार्जुन ने डीके शिवकुमार को एक बार में ही मिठाई खिला दी। काउंसिल लीडर साहब, डॉक्टर। अब इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। इन संकेतों की माने तो ऐसा लग रहा है कि शिवकुमार ही कर्नाटक में सीएम की गद्दी पर विराजमान होंगे। इसके साथ ही इसलिए भी क्योंकि डीके का गांधी परिवार से लगाव बहुत गहरा है, जिसके साक्ष्य हमने उनके जीत के बाद भावुक होते देखा। इसके साथ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि इस बार कांग्रेस एक नई रणनीति बनाए, क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच टक्कर की लड़ाई है, तो हो सकता है कि सीएम कार्यकाल की आधे आधे कार्यकाल के लिए बांट दी जाए। इस संभावित रणनीति के पीछे एक और कारण है, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव और राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट में अपनी ही पार्टी के नेताओं की गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि कर्नाटक में भी आने वाले समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये रणनीति कांग्रेस पार्टी अपना सकती है, जिसके संकेत मल्लिकार्जुन ने मीडिया ब्रीफिंग में दे दिए हैं। अब आप बताइए इन सब संकेतों में आपको क्या लगता है, कर्नाटक का सीएम आखिर कौन बनेगा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।